वैलेंटाइन डे मुबारक हो। इस प्यार भरे दिन में आइए जानते हैं कि लोगों का प्यार के बारे में क्या ख्याल है। सर, प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे मैडम जी, आप पगलाए गई हैं क्या? सबेर समार बोनी नहीं भाई है, इतना मोरा लेके प्यार करने चली आई है। चलें आप, जाएं यहाँ से। प्यार करिए। प्यार के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहा? प्यार क्या होता है? प्यार प्रेम। प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? मैं क्या? प्यार के बारे में लड़कों से पूछना बेकार है, आप लड़कियों से पूछिए। हाय अल्लाह। हेलो हेलो। प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्यार ईश्वर है, उसे जाति धर्म भेदभाव इन सब की पहचान नहीं है, वो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है। लव इज ऑलवेज सो ग्रेट। ब्रीफकेस साथ लाया है, लगता है इसका कंपनी में आज प्रमोशन हो गया है। ब्रीफकेस खोल रहा है, लगता है कोई फॉरेन का प्रोडक्ट होगा। जल्दी से खोल। इसे क्या हुआ? क्यों रे, ईंट लेके क्यों घूम रहा है? खुजली तेरी गई नहीं? जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, नहीं तो सारा जीवन ऐसे खुजाता ही रहेगा। यूरिन लगाने से खुजली जाती है ऐसा कहते हैं। कहाँ मिलेगा? कुछ दे दीजिए भगवान के नाम क्या? पे। उस दिन इस गाने के मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और आज भी वही गाना गा रही हो? अरे अरे साहब, मैं आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा भाई शर्ट के बिना घूमता है, अगर आप अपना एक अच्छा शर्ट उसे दोगे ना सर, तो बहुत। क्या बोल रही है? आज फिर शर्ट के लिए पैसे मांग रही है? उस दिन गाना गा करके पैसे ले गई थी, अब पैसे नहीं मिलेंगे। स्टॉप, ये लोग तो नहीं दे रहे हैं, तुम भी नहीं दोगे क्या? नहीं दोगे क्या जी? दीदी, ये शर्ट मुझे फिट होगा ना? नहीं हुआ तो सिलाकर ठीक कर लेंगे, किसी की नजर ना लग जाए। जल्दी से कुछ पहन लीजिए ना जी। छी, मुझे नंगा करके चली गई रे। ए, ये क्या, भिखारी ने शर्ट मांगा और तूने उतार कर दे भी दिया? हाँ अशोक, वो गरीब थी, देने के लिए सोचा था और दे दिया। वैसे मैं देने से पहले कभी सोचता नहीं हूँ और देने के बाद कभी बात नहीं करता हूँ। दैट्स माय पॉलिसी, कमानी टेक और सीट सर। हाय भूपति। हाय राजा। आओ, मीट माय फ्रेंड बालू, चंदू, हाय सतीश, हाय और प्रिया। हाय। और ये जिससे तू मिलने आया अशोक है। हाय। हेलो। ए, तू बिना शर्ट के क्यों खड़ा है? ये सलमान खान का फैशन है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा, पहले तेरे काम के बारे में बात करते हैं। अशोक, जिस तरह तू मेरा दोस्त है उसी तरह ये भी मेरा दोस्त है, इसे तुझसे कुछ मदद चाहिए थी, करेगा? क्या बात है? तेरे पास आया तो क्या बात हो सकती है, लव मैटर है। तू इसकी मदद करना प्लीज। ये उधर क्यों ले जा रहा है? बोलो। वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, नाम माही है। जिस दिन से मैंने उसे देखा है पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया। मेरे प्यार के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन उसे मैंने अब तक कुछ भी नहीं बताया। माही सेकंड ईयर में है और मैं फाइनल ईयर में। कॉलेज खत्म होने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो जो लड़की अब तक सिर्फ मेरे सपनों में है वो मेरी जिंदगी में। अब वो लड़की कहाँ होगी? कौन है? पीछे जो लड़कियों के साथ अकेली खड़ी है ना, वही माही है। तुरंत देखना ठीक नहीं होगा, वो कुछ गलत समझ लेगी। ठीक है, फिर तुम उस तरफ घूमो।
शुक्र है, अगर मेरी वाली होती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। अरे भाई इतना मत खुजलाइए, आवाज सुनकर बाहर के लोग अंदर आ जाएंगे। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर दास? अरे बार बार तुम इसे क्यों देख रहे हो? आपका नाम क्या है वही देख रहा था डॉक्टर। मेरा नाम दास है, इस नाम की वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। क्यों डॉक्टर? कोई एक पागल रोज रात को फोन करके आपका नाम दास है या आप पेशेंट से दास है करके पूछता है। अगर वो मुझे कहीं मिल गया तो उसे मैं मेरी रिपोर्ट डॉक्टर। रिपोर्ट चाहिए? तुमने कभी भिखारी की थाली देखी है क्या? भिखारन की वजह से ही तो मेरा ये हाल हुआ डॉक्टर साहब। उसकी थाली में जिस तरह दाल चावल रोटी सब मिक्स हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे ब्लड में सब कुछ मिक्स हो गया। तो क्या ये खुजली कभी नहीं जाएगी डॉक्टर? अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन देता हूँ। ठीक है डॉक्टर, पैंट उतार कर उल्टा सोना पड़ेगा क्या? उसकी जरूरत नहीं है, मैं हाथ पर लगा दूंगा। अरे क्या डॉक्टर, टीवी में तो आपके साथ एक लड़की होती है, वो नहीं आएगी क्या? वो सिर्फ टीवी में आती है, तुम बहुत बकबक करते हो। बाप रे। अच्छा डॉक्टर, अब तो ये खुजली बंद हो जाएगी ना? अब और ज्यादा होगी। आप ये क्या कह रहे हैं? खुजली डेवलप होगी तभी तो ठीक से पता चलेगा। एक हफ्ते बाद फिर मुझसे आकर मिलना। ठीक है डॉक्टर, पता नहीं इस खुजली से मेरा पीछा कब छूटेगा। क्या मुसीबत। हेलो, अबे बेवकूफ, फिर फोन किया? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? आज के बाद मेरा नाम दास नहीं है, मैं नाम ही बदल दूंगा। डॉक्टर आपका बोर्ड बाहर गिरा था। ये तो वही आवाज। अरे मुझे पहचान लिया। हे, वो तुझे हर रोज फॉलो करता है, पता है? पता है। वैलेंटाइंस डे के दिन तुमने टीवी पर कविता सुनाई थी ना? बिल्कुल। जानते हो उस कविता वाली ग्रीटिंग कार्ड को उसी ने सिलेक्ट किया था, तब से मैं उसे जानती हूँ। दोनों एक दूसरे से मन ही मन प्यार करते हो ना, तो फिर प्यार का इजहार करने में प्रॉब्लम क्या है? I love you. क्या हो गया तुझे, ये क्या कर रहा है? प्रेम। आइए आशिक साहब, इतनी देर क्यों लगाई? प्यार में पंचुअलिटी बहुत जरूरी होती है सर। सॉरी, माही को आने में देर हो गई, उसे देख भी नहीं पाया इसलिए। तो उसे देखने के बाद ही दूसरा काम करते हो क्या? हाँ, उसे देखे बिना मैं रह नहीं पाता ना, पता है। अच्छा, तुम उसे अट्रैक्ट करने के लिए हर रोज क्या क्या करते हो? उसके कॉलेज आने तक मैं कॉलेज के गेट पे ही रहता हूँ। जब वो कैंटीन में जाती है तो उसके सामने वाली टेबल पे बैठ के मैं कॉफी पीता हूँ। और जब वो क्लास में जाती है, मैं और मेरे दोस्त पीछे बैठ कर बातें करते हैं। और जब वो बस में जाती है तो मैं भी बस में चला जाता हूँ। मतलब सारी आदतें मेरी तरह ही है इसकी। हैं मतलब तनख्वाह लिए बिना तो उसके बॉडी को गार्ड करता है। ठीक है ठीक है, तू उसे कैसे देखता है? मैं ऐसे देखता हूं। बस बस बस, तुझे ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। देख राजा, लड़की को कभी डायरेक्ट घूर कर नहीं देखना चाहिए, किसी बहाने से देखना चाहिए।
पहले वो तुझे चाहती है नहीं ये जान लो। तू एक काम कर, पहली बार नहीं देखा तो फिक्र मत कर, दूसरी बार फिर देख। अरे घबरा मत, देखते रहना चाहिए, प्यार में सब्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है, वो तुझे चाहने लगी है ये बात कंफर्म करने के लिए तू क्या कर पता है, चुपचाप कहीं पीछे जा करके छुप जा। चला गया ये सोचकर वो यहाँ वहाँ देखने लगी, कुछ देर के लिए परेशान हो गई, पता है? ओ, ये सब हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, इतने में ही बात पक्की हो गई ये मत समझ लेना, कभी भी कुछ भी उल्टा हो सकता है, लड़कियों के बारे में तू नहीं जानता राजा। ठीक है चल, मेरे पास और भी कई आइडियाज हैं।